हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजेन। और आज हम बात करने वाले हैं अजीत कुमार सर की मच अवेटेड मूवी थूनीबू के फर्स्ट सिंगल के बारे में। वैसे तो थूनीबू का फर्स्ट सिंगल काफी पहले ही आ जाना था, लेकिन मूवी के मेकर्स ने क्यों नहीं शेयर किया ये बात तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि मूवी के मेकर्स ये देखना चाह रहे हैं कि बारिश के जो मेकर्स हैं वो किस हद तक जा सकते हैं। शायद इसलिए थूनीबू के डायरेक्टर यानी कि एज विनोद सर इस बात का वेट कर रहे थे कि पहले बारिश का सेकंड सिंगल आ जाने दो, उसके बाद थूनीबू का फर्स्ट सिंगल शेयर किया जाएगा। यानी कि चिल्ला चिल्ला मतलब कि काफी रस इकट्ठा करके चल रहा है, क्योंकि अजीत कुमार काफी लंबे समय के बाद कमबैक करते हुए नजर आ रहे हैं और फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है चिल्ला चिल्ला के लिए। लेकिन मूवी के मेकर्स की तरफ से इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था। लेकिन मूवी के मेकर्स चिल्ला चिल्ला के लिए क्यों रुके, किस बात के लिए वेट किया ये बात तो मैं नहीं जानता। लेकिन मूवी के मेकर्स का शायद ये प्लानिंग हो सकती है कि उन्होंने सोचा हो कि पहले वारिसु का सेकेंड सिंगल आ जाने दो, उसके बाद इसे चिल्ला चिल्ला को शेयर किया जाएगा अजीत कुमार के फैंस के साथ। वारिसु का फर्स्ट सिंगल जो आया था वो आया था रंजीत में, सेकेंड सिंगल जो आया था थल्लापति आया, और अब मूवी के मेकर्स यानी कि एच विनोद जो कि मूवी के डायरेक्टर पूरी प्लानिंग कर चुके हैं थूनीबू के फर्स्ट सिंगल यानी कि चिल्ला चिल्ला को लेकर, क्योंकि घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक होती है। हो सकता है कि मूवी के मेकर्स ये प्लानिंग लेकर चल रहे हो और चिल्ला चिल्ला को जो वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जा रहा है ना वो 9 दिसंबर को किया जा रहा है। और जब से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट शेयर किया ना फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए, और थूनीबू के फर्स्ट सिंगल यानी कि चिल्ला चिल्ला के ऑफिशियल अनाउंसमेंट सुनने के बाद मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं मच अपडेटेड मूवियों के बारे में। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, फिर क्वेरी कर सकते हैं कोई भी मूवी के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।